हेलो मेरे दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड अनिकेत कुछ दिनों पहले मुझे हमारे एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में बहुत दिनों बाद मिला। बातों बातों में उसने मुझसे थोड़ा खुश होकर अपनी एक PIC पॉलिसी के बारे में बताया, जिसमें उसने अपने एक बरस के बेटे अनुभव की हायर एजुकेशन के लिए निवेश किया है। अनिकेत से जब मैंने प्रीमियम पूछा तो उसने बताया कि वो उस पॉलिसी पे 70,000 रुपीज भरेगा हर साल अगले 20 सालों के लिए, और 20 सालों बाद उसे मिलेंगे पूरे 30 लाख, वो भी टैक्स फ्री। प्लस जो प्रीमियम वो भरता है उस प्रीमियम पे टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C भी क्लेम करता है। दैट मींस कि सालाना ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का टैक्स भी सेव कर लेता है। और ये सब बताते समय अनिकेत के टोन में एक एक्साइटमेंट थी। और फिर मैंने अनिकेत से पूछा कि इस पॉलिसी के साथ तुझे कुछ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिला होगा, राइट? ये सुनकर अनिकेत की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई और वो बोला, अरे हाँ, ये बेनिफिट तो बताना ही भूल गया यार। इन केस मुझे कुछ हो जाता है इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से पहले, तो मेरे घर वालों को पॉलिसी वैल्यू या सम अशॉर्ड वैल्यू जो भी ज्यादा होगी वो दे दी जाएगी। इजंट इट अमेजिंग? फिर अनिकेत बोला, भाई एक काम कर, तू भी एक आध पॉलिसी खरीद ले मेरे अंकल से, वो पुणे के टॉप PIC एजेंट है और आजकल मेरा सारा इन्वेस्टमेंट वही देखते हैं, और मैं मेरे अंकल से कहूंगा कि वो तुझे टॉप की सर्विस प्रोवाइड करे, वो भी फ्री में, डोंट वरी। अब एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते मुझसे नहीं रहा गया और मैंने उससे पूछा, अनिकेत आई होप तेरा टर्म प्लान भी है, एज मुझे पता है कि अनिकेत की वाइफ, बच्चा और माता पिता उसी की इनकम पे डिपेंड करते हैं। यहाँ अनिकेत ने एक और सिक्सर मारा, नहीं रे भाविन, अंकल बोले टर्म प्लान में कुछ हुआ तो ही पैसा मिलता है, वरना पूरा प्रीमियम वेस्ट। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है, अनिकेत के फ्री एडवाइस देने वाले अंकल ने उसे सही सलाह दी थी? तो मैं कहूंगा नहीं। और क्यों कहा मैंने ऐसा, लेट्स अंडरस्टैंड। और इस वीडियो से हम ये भी समझेंगे कि पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए या पेड अप, कौन सा ऑप्शन कब बेटर होता है। और ये सब समझे उससे पहले, मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब मान लेते हैं कि अनिकेत अपने PIC एजेंट और फ्री एडवाइस देने वाले अंकल की ना सुनकर अपने लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान खरीदता है, तो उसके टर्म प्लान का एनुअल प्रीमियम बनता है करीब 15,000 रुपीज पर एनम, और यहाँ उसे कवरेज मिला पूरे 1 करोड़ का, वो भी बस 15,000 रुपीज का प्रीमियम भर के, और PIC पॉलिसी में उसे बस 10 लाख का कवर मिला है। अब मान के चलते हैं 70,000 जो अनिकेत की पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम है माइनस 15,000 जो अनिकेत टर्म प्लान के प्रीमियम के अगेंस्ट भरता है, यानी 55,000 रुपीज वो इन्वेस्ट करता है हर साल अगले 20 सालों के लिए किसी अच्छे ELSS फंड में, जहां वो ATC में टैक्स भी बचा सकता है और उसे 12% का रिटर्न मिलता है। तो इस सिचुएशन में 20 सालों बाद अनिकेत के पास होंगे 44,38,000 प्लस 1 करोड़ का टर्म प्लान, और अगर इस अमाउंट में से 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बनता है करीब 3,23,000 रुपीज को निकाल भी दे, तब भी अनिकेत के हाथ में 41 लाख बचते हैं, जो PIC पॉलिसी के टैक्स फ्री रिटर्न्स के कंपैरिजन में 37% ज्यादा है। और अनिकेत का ये समझना कि टर्म प्लान खरीदना प्रीमियम वेस्ट करना है, ये सोच गलत है। अब दरअसल इसमें गलती उसकी नहीं है, उसके एडवाइजर की है। क्या पता शायद PIC अंकल को भी इस बात की समझ ना हो, या ये भी पॉसिबल है कि उन्हें समझ हो लेकिन वो अनिकेत की ना समझी का फायदा उठा रहे हो कमीशन कमाने और टारगेट पूरा करने के चक्कर में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सरेंडर या पेड अप कौन सा ऑप्शन बेटर है आपकी पुरानी पॉलिसीज के लिए। इतनी सारी अशॉर्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिलाई है आपके अंकल से, वो कुछ नहीं लेकिन हाई प्रीमियम और लो रिटर्न वाली पॉलिसीज है। और सच कहूं तो इनका रिटर्न 4% से 7% के बीच ही होता है। ये वो पॉलिसीज है जो सही अमाउंट का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड नहीं करती और आपके लिए उतनी वेल्थ भी क्रिएट नहीं करती जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन और के लिए इनफ हो। और तो और, आपको इन पॉलिसीज को मैच्योरिटी से पहले स्टॉप करना हो और अपने पैसे वापस लेने हो तो इनकी रिटर्न वैल्यू कुछ ज्यादा ही बेकार होती है। मेनली इन पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू करने के 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट पेड अप पॉलिसी, सेकंड सरेंडर पॉलिसी। सो क्या हो
होता है पेड अप ऑप्शन। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को क्लोज नहीं करता लेकिन नया प्रीमियम भी नहीं भरता पॉलिसी के अगेंस्ट, और पॉलिसी को पेड अप करने का ऑप्शन नॉर्मली 3 सालों का प्रीमियम भरने के बाद ही मिलता है। पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला है ओरिजिनल सम अश्योर्ड इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल। अनिकेत की पॉलिसी का ही एग्जांपल ले ले तो मान के चलते हैं अनिकेत ने 4 सालों का प्रीमियम पे किया है अपनी पॉलिसी पे और उसकी पॉलिसी का सम अश्योर्ड है 10 लाख, उसे प्रीमियम भरना है टोटल 20 इयर्स के लिए और 16 इयर्स का प्रीमियम भरना बाकी है अभी। तो इस केस में अनिकेत की पॉलिसी का पेड अप वैल्यू होगा 10 लाख इंटू 4 / 20 जो बनता है 2 लाख, और अनिकेत ने अब तक टोटल प्रीमियम भरा है 70,000 इंटू 4 इयर्स जो है 2,80,000 रुपीस। लेकिन अनिकेत को पेड अप करने पे ये 2 लाख मिलेंगे 16 इयर्स बाद जब उसकी पॉलिसी की मेच्योरिटी होगी, और अनिकेत को पॉलिसी पेड अप करने से पहले इस चीज का ख्याल जरूर करना चाहिए कि इस 2 लाख की वैल्यू जो उसे 16 इयर्स बाद मिलेंगे 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से आज बनती है बस 78,000 रुपीस। दैट मींस कि अगर आप भी अपनी पॉलिसी को पेड अप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पॉलिसी का पेड अप अमाउंट बचे हुए पॉलिसी टर्म के लिए लॉक हो जाएगा और अमाउंट जो आपको मिलेगा उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी मैच्योरिटी के समय। तो अब समझते हैं सेकंड ऑप्शन सरेंडर पॉलिसी। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कंप्लीटली क्लोज कर देता है और अपने पैसे वापस ले लेता है, लेकिन इस ऑप्शन में कितने पैसे वापस मिलेंगे आपको उसका भी एक फॉर्मूला है, और नॉर्मली पॉलिसी को 3 सालों का प्रीमियम भरने के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है। इसका ये मतलब बनता है कि अगर 3 सालों के पहले पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी सरेंडर करता है तो उसे कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलता। नॉर्मली सरेंडर वैल्यू 30% से शुरू होता है, फिर भी ये कंपनी टू कंपनी और टाइप ऑफ पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जैसे After 3 years, 30% of premium paid. After 5 years, up to 8 years, 50% of premium paid. After 8 years, 65% of premium paid. Last 2 years of policy maturity, 90% of premium paid. मैं आपसे request करूंगा कि आप अपना policy document पढ़िए, जिसमें ये table होना चाहिए. So अब अगर अनिकेत की policy का ही example continue करे, तो उसकी policy का total premium paying term है 70,000 rupees per year for 20 years. जिसमें से उसने 4 इयर्स का प्रीमियम यानी 2,80,000 रुपीस भरा है, तो इस टेबल के अनुसार उसकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होगा 30% ऑफ प्रीमियम पेड माइनस फर्स्ट इयर्स प्रीमियम, यानी 30% ऑफ 2,80,000 रुपीस माइनस 70,000 जो है 30% ऑफ 2,10,000 इक्वल्स 63,000 रुपीस। सो पॉलिसी सरेंडर करने पे अनिकेत को मिलेंगे बस 63,000 रुपीस। उसने 2,80,000 रुपीस का प्रीमियम भरा है फिर भी, लेकिन अनिकेत यही 63,000 रुपीस अगले 16 सालों के लिए 8% रिटर्न पर भी निवेश कर देता है, तब भी उसके पास होंगे 2,15,000 रुपीस जो तब के पेड अप वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है। नॉर्मली सरेंडर और पेड अप के कंपैरिजन में पॉलिसी सरेंडर करना पॉलिसी पेड अप से ज्यादा फायदा करता है, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स को सरेंडर के समय होने वाला लॉस थोड़ा हर्ट करता है, इसीलिए वो पॉलिसी पेड अप करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन समझते हैं। और कई सारे इन्वेस्टर्स तो पॉलिसी सही नहीं है ये पता चलने के बाद भी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं मैच्योरिटी तक, जिससे वो किसी और अच्छे प्रोडक्ट में निवेश नहीं कर पाते, और इसे फाइनेंशियल टर्म्स में अपॉर्चुनिटी लॉस भी कहा जाता है। तो हमें पॉलिसी को सरेंडर कब करना चाहिए और कब पेड अप करना चाहिए? अगर आपकी पॉलिसी को मैच्योर होने में 2 से 4 साल बचे हैं तब उसे पेड अप करना चाहिए, लेकिन अगर पॉलिसी को मैच्योर होने में कई साल जैसे 8 से 10 साल बाकी है तो सरेंडर करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, एज आप पॉलिसी सरेंडर करके उसी प्रीमियम को लंबे समय तक किसी और बेटर प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। मोस्टली इन्वेस्टर्स इन पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते ये सोचकर कि उन्हें लॉस हो जाएगा, लेकिन इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करना लंबे समय में उससे भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे 1,000 रुपीज उधार लिए और
10 सालों बाद आपको 1100 रुपीस लौटा है, तो आप यहाँ प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में हैं, एज आप यही 1000 रुपीस कहीं और निवेश करके 2500 रुपीस बना सकते थे, लेकिन आपके पास है 1100 रुपीस 2500 की जगह, सो यहाँ आपका 1400 रुपीस का लॉस है। एक और एग्जांपल दूं तो राम की पॉलिसी का सम अशर्ड है 10 लाख और ईयरली प्रीमियम है 53000 रुपीस। अब 5 प्रीमियम भरने के बाद राम अगर इस पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसे मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 85000 रुपीस और राम ने यहाँ टोटल प्रीमियम भरा है 2,65,000 रुपीस का। दैट मींस इस पॉलिसी को सरेंडर करने पे उसका ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपीस का नुकसान होगा और इसी पॉलिसी को मैच्योरिटी तक कंटिन्यू करने पे उसे करीब 15 से 18 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यही राम अगर सरेंडर वैल्यू को यानी 85,000 रुपीस को लमसम निवेश करता है और 53,000 रुपीस हर साल प्रीमियम की जगह किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करता है तो 12% रिटर्न के हिसाब से उसे मिलेंगे करीब 25 लाख रुपए प्लस नो लॉक इन, वो जब चाहे इन फंड्स को बेच भी सकता है। सो इस वीडियो से आपको 3 चीजें तो जरूर सीखने मिली। एक कि टर्म प्लान का प्रीमियम जैसे पॉलिसी बेचने वाले बताते हैं वेस्ट नहीं होता। दूसरा पेड अप वैल्यू क्या होता है और पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा सरेंडर वैल्यू क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले ग्रुप पे शेयर जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी कुछ सीखने मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक महीने में एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या आपने भी अनिकेत की तरह पॉलिसीज ली है फ्री एडवाइस के चक्कर में या रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में और अब तक अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की तैयारी नहीं की है तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एंड आई एम श्योर आप चाहोगे कि आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े और आप भी जल्द से जल्द वेल्थ क्रिएट करो, और अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको हमारे हर थर्सडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।